नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका। वाराणसी से 26 अप्रैल को नामांकन करेंगे मोदी, 25 अप्रैल को होगा रोड शो। बैंक के संविदा कर्मी की हत्या, खेत में मिला शव। अब खबरें विस्तार से। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह मामले में यादव को जमानत देने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने लालू के 24 महीने से जेल में होने की दलीलों को खारिज कर दिया है और कहा कि उन्हें दी गई 14 साल की जेल की सजा की तुलना में 24 महीने कुछ भी नहीं है। यादव की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई बरामदगी नहीं और कोई मांग नहीं और एकमात्र बड़ा अपराध जिसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था वह एक साजिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 26 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 25 अप्रैल को वाराणसी में एक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो बीचू गेट से शुरू होकर कचहरी तक होगा। कहा जा रहा है कि नामांकन भरने से पहले पीएम मोदी बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जय कलम लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र माना थाना अंतर्गत कल रात से गायब इलाहाबाद बैंक के 25 संविदा कर्मी की हत्या कर खेत में उसका शव डाल दिया गया। मंगलवार की सुबह जब गांव वालों ने खेत में शव पड़ा देखा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और संविदा कर्मी के शव को देखकर पुलिस ने जब हादसा बताया तो गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस के बयान से आक्रोश, गांव के सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर प्रदूषण शुरू कर दिया तो लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार पेशे से किसान गोखन प्रसाद गौतम, अपनी पत्नी कालावती, 2 बेटे विनोद कुमार गौतम एवं संतोष कुमार गौतम, 3 बेटियों सुमिता, शांति और क्रांति के साथ माला थाना क्षेत्र में चुकंडिया गांव में रहते हैं। आगे की जांच पुलिस कर रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।